कैमरामैन से। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है? इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है, अगर ये काट ले तो इंसान की 40 से 50 मिनट में मौत हो जाती है, एक घंटे के अंदर अंदर मौत हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जाबुल स्नैक सेवर में। दोस्तों आज की वीडियो में जुड़े रहना, आज सांपों को रिलीज करेंगे, सांप ही सांप। दोस्तों वीडियो को छोड़कर मत जाना, और आज हमारे पास बहुत सारे सांप हैं, सांप कौन से हैं ये देखने के बाद पता पड़ेगा दोस्तों। और आज है 16 जुलाई स्नैक डे, तो इसके अंदर सांप है, और दोस्तों बहुत बहुत खतरनाक सांप हैं, तो आज हम इसे फॉरेस्ट में रिलीज करने के लिए आ गए हैं। तो बरसात का टाइम चल रहा है और सांप सबसे ज़्यादा निकल पा रहे हैं, तो आपने इसकी आवाज़ से सुना दें कैमरामैन से। बेटे की जान, इतना खतरनाक मंजर है ये। और दोस्तों और बहुत सारे सांप हैं, वीडियो में जुड़े रहना, अंत तक जुड़े रहना। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो अभी कमेंट कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्त, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। और हम बेजुबानों को बचाते हैं और कोशिश करते हैं कि इंसान भी सेफ रहें और सांप भी सेफ रहें। इंसान भी सुरक्षित, सांप भी सुरक्षित, सांप रहेंगे तो इंसान रहेंगे। और दोस्तों ये भाग गया है, ये और दोस्तों ये किसके अंदर है, ये दोस्तों देख रहे हैं, ये दो सांप स्पेक्टिकल्ड कोबरा, दो सांप चले गए, दो सांप रह गए, तो इनको भी जाने देंगे, ज़्यादा बेजुबानों को परेशान नहीं करेंगे। हमारा मकसद है इन्हें बचाया जाए, इंसान भी सुरक्षित, सांप भी सुरक्षित। और दोस्तों ये इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है, ये एकदम पलटवार मारता है, अगर इसकी पूंछ पे हाथ धोके से भी लग जाए रात बरात में तो ये तुरंत काट लेता है। तो इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक जहर, न्यूरोटॉक्सिक का मतलब नर्वस सिस्टम, यानी इंसान को पागल कर देना, अंधा कर देना, 30-40 मिनट के बाद गर्दन टूटने लगती है, और इसके चक्कर में कोई भी झाड़ फूंक होता नहीं और ये बहुत खड़ा हो जाता है। इसी को नाग कहते हैं, और हमारी साइंस में इसे नाजा कहते हैं, ठीक है। और लोग इसे दूध पिलाने के चक्कर में भी ये डस लेता है, तो दूध पिलाने की कोशिश ना करें, बहुत खतरनाक सांप है। और एक जीव और है हमारे पास, और ये जब अब ये फुल अग्रेसिव है, यानी गुस्से में है, इसको भी दिखाएंगे मॉनिटर लिजार्ड, डिस्कोप्ला जिसको कहते हैं, वो भी था। तो ये रात के रेस्क्यू हैं, मतलब दिन में जब पकड़ते हैं तो हम दिन में छोड़ ही देते हैं, तो ये रात के रेस्क्यू हैं। तो ये बस साले डर ले, देख रहे हैं दोस्तों ये किस तरीके से आ रहा है। लेकिन आप ऐसी गलती मेरी तरह मत करना कि सांपों को आप पकड़ लें, सांपों को पकड़ लें तो सांप को पकड़ना मत।
दोस्तों ये चला गया और ये बड़े भाई रह गए हैं, इन बड़े भाई को भी जाने देंगे। ये तुरंत अटैक की मोड में है। अब ये तो दोस्तों आप देख रहे हैं, तो पीछे से तो नहीं आ जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि मुझे पसीना आ गया है इन सांप को छोड़ने के चक्कर में। तो सांप बहुत ख़तरनाक चीज़ है, आप ऐसा खेल ना करें प्लीज़, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, कोई नुकसान नहीं होता सब्सक्राइब करने से, मैं जाने कितनों के सब्सक्राइब ठोकता हूँ दिन में, ठीक है भाई लोगों। तो इसका ध्यान कर लें। और बहुत कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों के दिमाग में ये अंधविश्वास है कि सांप से कह दें हम कि दो दिन यहीं पर खड़े रहना, मैं आ रहा हूँ, तो दो दिन यहीं खड़ा रहेगा। एक सिर्फ एक यही एक कोबरा नस्ल के सांप ऐसे हैं प्रजाति के जो खड़े रहते हैं, क्योंकि इनका मकसद है खड़े होकर देखना, खतरे को महसूस करना, ठीक है। लेकिन ये कोई किसी के कहने पर नहीं रुकता है, किसी के बाप का गुलाम नहीं है ये सांप कि कोई कहे कि हम आ रहे हैं और तू खड़ा रहे, और हाथ जोड़ते हैं कि तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी हमारी कोई दुश्मनी नहीं, तो भी ये नहीं सुनता, क्योंकि इसके अंदर इतना दिमाग होता नहीं। इसका मकसद है चूहों को खाना, मेंढक को खाना, ठीक है। तो और ये इंसान का हाथ पहुंचे तो काट लेना। ये अभी और फन चौड़ा करेगा। ये स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसके सर के पीछे जो ये चश्मा आकार होता है ना, इसलिए इसको ये स्पेक्टिकल कहते हैं, ठीक है। और ये अब जाने देंगे इसको, ठीक है। तो जाओ जी, जाओ। तो ये भाई ये भी चला गया, और ये चार सांप, बहुत बड़ा फॉरेस्ट का जंग। और कमेंट अच्छे अच्छे करें दोस्तों, ठीक है। और वीडियो पर नंबर मिलेगा, कोई भी जानकारी किसी के भी घर सांप निकले तो आप हमसे ले सकते हैं, ठीक है। और वीडियो में लास्ट तलक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खैर मकदम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो हमारी वीडियो आपने लास्ट तलक देखी, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।